नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। यमुनानगर के बिलासपुर में 21 वर्षीय युवती ने जहरीली पदार्थ निगलने से हुई मौत। वहीं उसकी मौत के बाद परिजनों ने सोहन लाल पर लगाया आरोप। कहा कि सोहन नाम के युवक ने उसे जहरीला पदार्थ खिलाया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने उस युवक के खिलाफ धारा 306 और 328 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अंजलि की जहरीली पदार्थ निगलने के मामले में उसके जीजा ने बताया कि सोहन नाम का युवक है जिसने घर में आकर अंजलि को जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पहले हम सिविल जगाधरी अस्पताल लाए, बाद में निजी अस्पताल ले गए जहाँ उसकी मौत हो गयी। उसने कुछ लड़की को जहरीला पदार्थ खिलाया था, उसके बाद उसको पूछा गया, उसने कुछ बोला, उसको थाने में दे दिया गया, जिसके कारण लड़की अब डेथ हो गई। आपको तो पता ही है, जगह ले रहा है यमुनानगर रेफर हुई, उसके बाद उसको शर्मा हॉस्पिटल में ले गए जहाँ रात उसकी मृत्यु हुई। कोई पुराना विवाद चल जाता है लड़के का या कुछ ऐसा है? ये सर हमें इतना मालूम नहीं है। बाकी क्या लड़के का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? लड़का सर बरौली साइड आने वाला, बरौली गाँव का है। नाम उसका शायद सोहन लाल है सर। उसकी मम्मी ने उसको बाद में पकड़ा था, उस टाइम उसको लड़के को पूछा गया था कि आपने इसको क्या खिलाया है, तो उसके साथ उसके भाई भी थे, मम्मी डैडी यानी डैडी भी आगे, तो उसने पूछा उसको, दो बंदे ने ऐसी दारू में नशे में टून था, ये पुलिस वालों को पता होगा कि दारू के नशे में था उन लोग, तो जब उसने नहीं बोला एक दो थप्पड़ी मारोगा पुलिस में दिया भी गया हो तो आगे पुलिस वालों को। अभी उसकी मदर के बयान पे पर्चा दर्ज हुआ है, मुकदमा नंबर 243, और जो अभी तक अपने बयान में स्टेटमेंट में लिखवाया है कि मेरी लड़की को सोहन लाल नाम का लड़का है जो बरौली गांव का है, नैनगढ़ के पास, उसने ये पॉइजन दिया है। बाकी मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है, क्या मामला है ये इन्वेस्टिगेशन पर बात करिए। मुकदमा कौन सी दारों में दर्ज हुआ है? 306 और 328। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।